राज्य के नेपाल हाउस सचिवालय के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ है। यहाँ की सड़ांत इस जगह से गुजरने वालों के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। सरकारी कार्यालय के आसपास साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, लेकिन रांची में है जस्ट इसका उल्टा। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ, ये है नेपाल हाउस सचिवालय, जहाँ पर चार पांच बड़े पदाधिकारी सचिव स्तरीय बैठते हैं, मंत्री भी बैठते हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लोगों का आना जाना होता है, और उसके द्वार पर, बैकयार्ड के द्वार पर आप देखें किस तरह की गंदगी है और किस तरह की बदबू है। यहाँ पर आते जाते लोग अपने नाक को बंद करके ही इधर से गुजरते हैं, और ये बरसात में ये सड़ांद उभर रही है जो बीमारी भी फैलाएगी। ये नेपाल हाउस है, सचिवालय है यहाँ का, सेक्रेटरी लोग होना चाहिए, नहीं होना तो नहीं चाहिए। ये गेट खुलने से थोड़ा ध्यान रहेगा, गेट जैसे बंद है, गेट बंद होने से इधर से कोई सेक्रेटरी लोग का ध्यान नहीं जाता, गाड़ी कोई आए ना आए का डिपार्टमेंट भी नहीं, वो ठीक है, लेकिन गेट खुले रहने से नजर रहती है सर। पिछला लॉकडाउन जो हुआ था उसी टाइम से हो रहा है। अच्छा। ये जो गेट बंद है सो गेट बंद है। अच्छा। सामने गेट आप खुलवाना चाहते हैं कि साफ सफाई? साफ सफाई जैसे कूड़ा कचरा होता है ना सर, पूरा देखिए बाउंड्री से उधर पूरा कचरा फेंक देता है, गेट खुलता नहीं, पूरा गंदगी जो भी कुत्ता मार के यहाँ फेंक देता है, कुत्ता मरा पड़ता है, उससे सभी दुकानदार मिलकर चंदा करके हम लोग कुत्ता हटवाते हैं। कम से कम दो दर्जन अधिकारियों की आवास है, और पीछे JSMDC का ऑफिस है, बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर से गुजरते हैं, जिसमें CID डिपार्टमेंट है, जो रानी बाग पीछे आपको पता होगा, कई महत्वपूर्ण विभागों के ऑफिस हैं और वहाँ पर कई अधिकारी बैठते हैं। का मंजर, इस तरह का दृश्य नहीं होना चाहिए। कैमरामैन राजा के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।